Hey guys, welcome back to my channel. How are you doing? कैसे हैं आप लोग? I hope आप और आपकी family safe हैं और घर पे हैं. हमें कोशिश यही करनी है कि हम precautions लेते रहें और घर पे safe रहें. पर हम घर पे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी travel planning छोड़ दें. तो आज की जो वीडियो है वो है मॉल्डीव्स ट्रैवल प्लानिंग वीडियो. मुझे अभी भी बहुत सारे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं रिगार्डिंग हाउ यू गाइस कैन प्लान योर ट्रिप टू मॉल्डीव्स. मैंने बहुत लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए पर्सनली ऑन डीएम्स, इन कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब, पर कई लोगों के फिर भी काफ़ी डाउट्स थे. तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ विद 6 थिंग्स टू नोट इन योर माइंड वाइल मेकिंग योर ट्रैवल प्लान टू मॉल्डीव्स. 6 चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है मॉल्डीव्स का ट्रैवल प्लान बनाते टाइम, वो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी. तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट. पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आपको अपना बजट सोचना है कि आप कितने रुपए खर्च करना चाहते हैं इस ट्रिप पे. जैसे ही आप बजट डिसाइड करेंगे आप कुछ ट्रैवल एजेंसीज पे रजिस्टर कर सकते हैं. बहुत सारी साइट्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप, ट्रैवल ट्रायंगल एक्सेट्रा, तो आप इन पे रजिस्टर कर सकते हैं जैसे ही आप बजट डिसाइड करें. चाहे आपका बजट 1.5 लाख तक का है या 2 लाख तक का है या बहुत ज़्यादा है, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो पहली स्टेप जो आपके लिए है वो है डिसाइड योर बजट. जैसे ही आप ट्रैवल प्लानिंग साइट्स पे रजिस्टर करेंगे आपको बहुत सारी कॉल्स आने लगेंगी बहुत सारे ऑप्शंस के साथ कि आपको हम इतने बजट में इस टाइप का रिजॉर्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बजट में इस टाइप का रिजॉर्ट दे सकते हैं. वंस यू हैव डिसाइडेड योर बजट आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ बात कर सकते हैं कि हमें विद इन से 1.5 लाख या विद इन 2 लाख हमें ऑप्शंस भेजो, हमें और ऑप्शंस देखने. अगर आपको ऑप्शंस नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप उनसे खूब सारे ऑप्शंस मांग लीजिए सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो ये है पहली चीज कि आपको बजट डिसाइड करके एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है कुछ रिजॉर्ट्स की जो आपको ट्रैवल एजेंट्स भेजेंगे. जब आपको एक लिस्ट मिल गई तो आपको दूसरे पॉइंट पे आना है जो है ट्रैवल एजेंट्स के पास जाने का. ये फायदा है कि उनके बहुत सारे रिजॉर्ट्स के साथ टाई अप होते हैं तो काफ़ी अच्छी डील्स मिल सकती हैं आपको, जो कि आपको नहीं मिलेंगी अगर आप इंडिविजुअली रिजॉर्ट या इंडिविजुअली फ्लाइट्स बुक करेंगे. तो इससे आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे जो कि है कि फ्लाइट टिकट्स. जैसा कि मैंने अपने दूसरे पॉइंट में बोला कि ट्रैवल एजेंट के साथ आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, वन ऑफ देम इज फ्लाइट्स. तो फ्लाइट्स का आपको ये देखना होगा कि ट्रैवल एजेंट आपको पैकेज दे रहा है तो वो काफ़ी जगह कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करता है क्योंकि आप नेगोशिएट कर रहे हैं, आप उनसे बार्गेनिंग करके एक अच्छा टिकाऊ पैकेज चाहते हैं. तो ट्रैवल एजेंट्स कई बार ये करते हैं कि आपको लेओवर वाली फ्लाइट्स दे देते हैं जो कि उन्हें सस्ती पड़ती हैं बट उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. तो ऐसा ना हो जाए कि आप मॉल्डीव्स शाम को पहुँचें और आपका जो विला था आप उस दिन को एंजॉय ही ना कर पाएं जबकि आपने उसके पूरे पैसे दिए हैं. सो मेक श्योर कि कम लेओवर वाली फ्लाइट आपकी ट्रैवल एजेंट आपका बुक कर रहा है आपके पैकेज में. फोर्थ पॉइंट इज स्पीड बोट ट्रांसफर. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पैकेज में स्पीड बोट ट्रांसफर जरूर इंक्लूडेड होना चाहिए, अदरवाइज यू आर गोना स्प्लर्ज अ लॉट ऑफ मनी विदाउट इवन नोइंग. सो मेक श्योर टू चेक दैट विद योर ट्रैवल एजेंट. वन ऑफ द हिडन कॉस्ट विच इज देयर इज स्पीड बोट ट्रांसफर. आप जैसे ही मॉल्डीव्स में एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वहां से यू हैव टू टेक स्पीड बोट जो कि आपको एयरपोर्ट से आपके रिजॉर्ट पे पहुंचाती है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तो मिनिमम लगते ही हैं स्पीड बोट में. तो मेक श्योर कि आप अपने पैकेज में स्पीड बोट ट्रांसफ़र ज़रूर इंक्लूड करवाएं. जनरली ट्रैवल एजेंट ज़रूर देते हैं बट प्लीज़ मेक श्योर टू रिव्यू इट विद योर ट्रैवल एजेंट, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी और इंडिविजुअली बुक कर लिए टिकट्स तो आपको 150 से $200 देने पड़ेंगे स्पीड बोट ट्रांसफर के. सो द फिफ्थ पॉइंट इज फूड प्लान, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे जैसे फूडीज के लिए. तो आप 4 से 5 दिन एक आइलैंड पे बिताने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फूड ऑप्शंस नहीं होंगे, और अगर आपने सही फूड प्लान पहले से अपने पैकेज में नहीं इंक्लूड कराया तो आप
बहुत सारे रुपए खर्च कर सकते हैं अच्छा खाना ढूंढने के फिराक में। तो तीन तरीके के फूड प्लान्स होते हैं जो कि आपको आपका ट्रैवल एजेंट बताएगा। पहला जो होता है वो होता है ऑल इंक्लूसिव, जिसमें कि आपका तीन टाइम का खाना यानी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर अलोंग विद ड्रिंक्स इंक्लूडेड होता है। जिन्हें अल्कोहल लेना है अनलिमिटेड वो ये प्लान ले सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी बजट में पड़ेगा इंस्टेड ऑफ जस्ट बुकिंग सम अदर प्लान। फुल बोर्ड में ये होता है कि आपको वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन चूज इफ़ यू आर अ फूडी और आप ट्राई करना चाहते हैं बहुत सारी क्विजींस, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हाफ बोर्ड में वो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड कराते हैं, तो इसमें आपका लंच इंक्लूडेड नहीं होता है। तो आप अगर चाहें तो आप हाफ बोर्ड भी ले सकते हैं और लंच में आप वहाँ के किसी और रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हैं। सो सिक्स पॉइंट इज रिजॉर्ट फाइनल करना और वहाँ पे कौन से विला में आपको रहना है वो फाइनल करना। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप ट्रैवल एजेंट से जब बात करेंगे अपने बजट की, तो वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड ऑलरेडी कर देगा आपके बजट के रिजॉर्ट्स की। अब रिजॉर्ट बहुत सारे होते हैं और उनको बहुत सारी ट्रैवल एजेंट्स को बहुत सारी डील्स मिलती हैं। काफ़ी नए रिजॉर्ट ऐसे होते हैं जो कि विजिटर्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी डील्स दे रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने ट्रैवल एजेंट से अच्छे से नेगोशिएट करें ताकि आपको काफ़ी अच्छी डील मिल सके। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप मोर देन वन ट्रैवल एजेंट से बात करें, ताकि एक ट्रैवल एजेंट आपको ज़्यादा बेवकूफ़ ना बना सके। तो आप कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है मालदीव्स की ट्रिप प्लान करने के लिए, आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। तो तीन चार ट्रैवल एजेंट्स से आप ना भी बात करें तो एटलीस्ट दो से तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको पूरी लिस्ट मिलती रहे और आप उनको कंपेयर भी करते रहें कि आपको बेस्ट प्राइस कहाँ से मिल रहा है। तो रिजॉर्ट और विला का प्लान जब आप करेंगे, तो नए रिजॉर्ट्स काफ़ी ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी डील देते हैं। और विलाज में भी ऐसा होता है कि आपने फोटोज देखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी फेसबुक पे मालदीव्स की, जिसमें कि ओशन के ऊपर बहुत सारे विलास हैं विच आर कॉल्ड वाटर विलास, बट दे आर अ बिट एक्सपेंसिव। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप 4 या 5 दिन लगातार वाटर विला में रहेंगे तो वो आपके बजट से काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट आपको डील भी देते हैं जो कि आपको ज़रूर पूछनी चाहिए अपने एजेंट से। वो आपका स्टे स्प्लिट करें दो टाइप्स के विलास में। एक होता है आइलैंड विला, जिसमें कि आपको प्राइवेट पूल मिलता है, प्राइवेट एक्सेस टू द बीच मिलता है, विच इज़ अ बिट लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू वाटर विला। तो आप अपना स्टे से 2 दिन अगर आप वाटर विला में रह लेंगे और 2 दिन अगर बीच विला में रह लेंगे, तो वो आपका बजट मेंटेन कर देगा। तो ये चीज़ भी आप अपने ट्रैवल एजेंट से ज़रूर डिस्कस करिएगा और नेगोशिएट करना मत भूलिएगा। तो ये थी मेरी सारी 6 टिप्स जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी अच्छी मालदीव्स ट्रिप के लिए। और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप और एक हैंडी टिप ज़रूर देना चाहूँगी। हैंडी टिप है कि आप कुछ US डॉलर्स अपने साथ रखिएगा। मालदीव्स की करेंसी बाहर नहीं मिलती है, तो US डॉलर्स ही वहाँ पे यूज़ होता है। तो कुछ US डॉलर्स आप स्पेयर रखिएगा। हालांकि आप जब पैकेज बुक करेंगे तो आपकी सारी पेमेंट इन एडवांस हो चुकी होगी, तो फिर भी कुछ US डॉलर्स रखिएगा। जैसे कि आप अगर वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या एक्स्ट्रा कुछ ड्रिंक्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके US डॉलर्स उस टाइम पे काम आएंगे। और लास्ट में बोनस टिप है कि अगर आप अपनी हनीमून या एनिवर्सरी ट्रिप पे मालदीव्स जा रहे हैं, तो अपने ट्रैवल एजेंट को या अगर आपने डायरेक्टली बुक किया है तो अपने रिजॉर्ट को ज़रूर अनाउंस करें ये चीज़ पहले इन एडवांस। अगर आप उन्हें एडवांस में बताते हैं तो वो आपका रूम डेकोरेट करवा के रखते हैं। इट्स वेरी प्रिटी, बहुत ही अच्छा फील होता है। और उसके साथ में ही वो आपको फ्रूट प्लैटर और शैम्पेन भी फ्री में देते हैं। अलॉन्ग विद दैट वो किसी भी दिन आपको एक दिन का डिनर या लंच भी फ्री में देते हैं, बिकॉज यू हैव गॉन टू सेलिब्रेट अ वेरी स्पेशल ओकेजन विद देम। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ अभी भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।